यहाँ पर रेट भी लिखे हुए, इतना बड़ा फोटो जो है 400 रुपए। इस तरीके का रश आज हो रहा है ना, तो दिवाली हॉलीडेज के टाइम पे सामने हमारा जो नैना पिक पहाड़ है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। Hey guys, क्या हाल है, सुबह क्या है, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। सो गाइस, 19 तारीख के करीब 4:30 बजे के आसपास का समय है, हेरिटेज मार्केट में हूं, तो शहर में आज क्या गतिविधियां हो रही हैं, चलिए घूमते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वक्त तो खैर बाजार में खरीदारी चल रही है गाइस, देखिए क्या क्या चीजें आ गई हैं। ये हमारी डेलिया होती हैं, पहाड़ में बहुत ज्यादा प्रचलन है इन चीजों का। पहले तो ये हाथ से बनाई जाती थी, अब इनके स्टिकर्स आने लग गए हैं। बाकी क्या है, आई थिंक कल या परसों जब भी करवा चौथ है ना, तो वो भी सामान देखने को अब यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, ये सारा वो ही चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं वो छन्नी अन्नी जो जो होती हैं यार। बाकी क्या है, लोकल्स ही खरीदारी कर रहे हैं इस वक्त। शनिवार में तो शहर में तगड़ा क्राउड होना चाहिए था, जो कि मार्केट में एज यूजुअल नहीं देखने को मिल रहा है। अभी जब हम लेक साइड जाएंगे ना एग्जैक्ट, वहीं जाके पता लगता है कि नैनीताल में किस टाइप का आज क्राउड है। बाबरे, यहाँ क्या मेहंदी कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या? अरे नहीं, सारी जो महिलाएं हैं वो हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं, ये 100-100 रुपये में एक हाथ वो बना रहे हैं ना। ये सब बाहर से आए हैं, तो यहाँ पर भाई लाइन लगी पड़ी है हाथ में मेहंदी लगाने के लिए। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं ना, तो ये 100-100 रुपये में एक एक हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं। तो आज मुझे लग रहा है ना, वहाँ जो हेरिटेज बाज़ार है उसकी शुरुआत में ही ये बहुत ज़्यादा लाइन लगे रहेगी रात तक। कल रात जब मैंने व्लॉग बनाया ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा कल रात नहीं हो रहा था गाइस, आज शायद होगा, क्योंकि अभी से मुझे ठंड महसूस हो रही है। और बाकी क्या है, मैं जोश में आज खैर दिन में ही निकल गया था खैर, और वीडियो अब जाकर शूट कर रहा हूँ मैं 4:30 बजे के बाद, तो अब ठंडा फील हो रहा हो, टी शर्ट में घूम रहा हूँ ना यार। यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है क्या या हो चुका? अच्छा, कल हॉकी, वुमेन्स हॉकी जो चल रहा था उसका फाइनल था यार। गाइस, जब तक ना आप फुटपाथ बाजार या लेक साइड आना जाओ ना, तो नैनीताल शहर का एग्जैक्ट माहौल पता लगता भी नहीं है। तो आज दिख रहा है कि आज भी क्राउड है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्राउड नहीं है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आने का प्लान कर रहे हैं, दिवाली में खासकर वो कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ उस टाइम पे देखने को मिलती है क्या, ये क्वेश्चन उनका बहुत ज़्यादा आ रहा है। गाइज, ऐसा है, अगर 3-4 दिन के हॉलीडेज़ हुए उस टाइम पे, अगर होंगे ही जो दिवाली हॉलीडेज़ पड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, जब जब हॉलीडेज़ पड़ते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप एक माइंड मेकअप करके आना कि क्राउड तो मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम वाला जो क्राउड होता है ना, वो तो नहीं होगा यार। इस तरीके का रश आज हो रहा है ना, तो दिवाली हॉलीडेज़ के टाइम पे इसी टाइप का होगा, और थोड़ा सा जो है ना रश ज़्यादा हो सकता है इसके जैसा भी दिख रहा है आपको, इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, बस एक्सट्रीम रश होने का कुछ नहीं है गाइस। तो आप बेफिक्र होकर आइए, आपको मज़े आएंगे नैनीताल शहर में दिवाली के टाइम पे। लेकिन क्या, एक चीज़ ध्यान रखना, ठंड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, हल्के हल्के कहना, दिन प्रतिदिन जो है ठंड बढ़ते जा रही है। सो गाइस देखो, धूप भी हल्के हल्के ऊपर को चढ़ने लगी है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है सामने पहाड़। और ये रहा हमारा आज नैनीताल लेक का खूबसूरत नज़ारा, थोड़ा सा नज़दीक और चलते हैं। एक सैटरडे के हिसाब से अभी उतना ज़्यादा रश यहाँ पर नहीं दिख रहा है यार। यहाँ पर देखो, ऐसे लोग फोटो खिंचाते हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस हैं, पहाड़ी कॉस्ट्यूम, या आप जो भी हिल स्टेशन में जाओगे ना, ये वाला सेगमेंट अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लोग बड़े ही चाव से फोटोज खिंचाते हैं, देखो यहाँ पर रेट भी लिखे हुए, इतना बड़ा फोटो जो है 400 रुपये में खींचने को मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले फ़ोटो खिंचा लिया, यहाँ पर आए, उसके बाद क्या करा, बोटिंग करने चले गए, उसमें 20-25-30 मिनट लगते हैं, और जब वापस आए आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा फ़ोटो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और रेट्स गाइस सामने ही लिखे हैं, 420 रुपये और 320 रुपये, ये हाफ राउंड और फुल राउंड वाला है। मतलब ये मत सोच रहे ना, फुल राउंड जो है वो नैनीताल लेक का पूरा फुल राउंड होगा, वो भी हाफ ही राउंड होता है। तो 420 रुपये है नैनीताल लेक का हाफ राउंड समझ लो, और 320 रुपये जो है वो आधे का आधा। गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कमेंट करते हैं यार, हमें तब आना है जब यहाँ पर एकदम सन्नाटा हो, एकदम मतलब सुनसान हो। तो गाइस, दिवाली के बाद आओगे तो आपको फिर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट नहीं देखेंगे। तो अगर आप लोग एकदम सन्नाटे में आना चाह रहे हो ना, तो एक काम और कर सकते हो, जनवरी के टाइम पे आ सकते हो। जनवरी जब तक स्नोफॉल नहीं होता, उससे पहले पहले तक एकदम सन्नाटा रहता है। या अभी दिवाली के बाद आओगे तब भी आपको बहुत ही कम रश देखने को मिलेगा। आज तो बैंड स्टैंड के बगल में इतनी सारी बोर्ड्स रखी हुई हैं यार, ये सब, इन सारी बोर्ड्स को ना धूप बढ़िया करके सिकाई गई है, और इन पर एक वाटर कोटिंग लगाई गई होगी ना। तो आज ये बहुत सारी बोर्ड्स हैं यार, ये यहीं पर को अगर गिनते हैं तो 1, 2, फिर ये 3, 4, उधर 5, बाबरे 5 बोटें आज नैनीताल लेक से बाहर खड़ी हुई हैं यार।
बैंड स्टैंड में आज ज्यादा भीड़ नहीं है। आज वीकेंड पर इतना ज्यादा क्राउड नहीं देखने को मिल रहा है गाइस। मैं 3-4 दिन पहले कह रहा था कि बहुत ही हैवी क्राउड देखने को मिलेगा नैनीताल शहर में, जो कि हमारी भविष्यवाणी जो है वो फुस हो गई। हाँ यार, फुसी हो गई फिर, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड हमें देखने को मिला ही नहीं इस बार। नहीं तो मुझे लग रहा था वीकेंड पर तो एटलीस्ट यार क्राउड होगा। तभी मैं काफी बार कहता भी रहता हूँ नैनीताल शहर ना अनप्रेडिक्टेबल है गाइस। यहाँ का मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ टूरिस्ट कब आ रहा कब जा रहा कुछ पता लगता है नहीं। ये चीज़ है, जैसी छुट्टियाँ पड़ती है ना तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वर्किंग डे में थोड़ा कम क्राउड रहता है, वीकेंड्स पर मतलब एक मोटा मोटा हम लोग अनुमान लगाते हैं ना कि वीकेंड्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी या वर्किंग डे में कम रहेगी। लेकिन ये वाला जो वीकेंड गया है इस बार उतना रश नहीं हुआ है पिछले वीकेंड के मुकाबले। क्या होता है ना, फुटपाथ बाजार में बहुत हैवी क्राउड रहता है, जो कि आज नहीं है। अच्छा गाइस, सामने हमारा जो नैना पिक पहाड़ है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। अगर आप लोग नैनीताल शहर आते हो और आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप उस पहाड़ की चोटी तक जा सकते हो। 3 किलोमीटर करीब है वो ट्रैक, और कैसे पहुंचना है उसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए नैना पिक पहाड़ तक कैसे पहुँचे। पूरा ही बता रखा है मैंने, मतलब इस वाले ग्राउंड से वहाँ तक ऊपर पहाड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो देख लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर एक चीज का ध्यान रखना, जिन लोगों को ना ज्यादा चलने की हैबिट नहीं है तो गाइस मत जाना उस पहाड़ तक, लिटरली बता रहा हूँ आप झीक जाओगे। क्योंकि यार 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना लिटरली कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब चलने की ज्यादा हैबिट होती नहीं है। नैनीताल शहर में ना बहुत दिनों से बारिश हुई नहीं है, तो मौसम बड़ा ही खुश्क टाइप हो रखा है आजकल यार, और मैदान में भी ना धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है। तो एक बारिश तो चाहिए, लेकिन आने वाले 15 दिन तक का भी मौसम बिल्कुल एकदम साफ है, तो दूर दूर तक बारिश का कोई भी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। तो जो लोग पहाड़ आते हैं और बारिश से घबराते हैं ना कि पहाड़ में बारिश ना पड़ जाए यार, हम फंस ना जाए, तो गाइस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज से लेकर आने वाले 15 दिन तक कोई भी मौसम ख़राब फिलहाल तो नहीं दिखा रहा है। अगर बीच में हल्का फुल्का बारिश पड़ जाती है तो नैनीताल शहर के लिए अच्छा होगा यार। गाइस बैक टू दी होम, और आज बहुत दिनों बाद मैंने ये बांसुरी निकाली है, बहुत ही दिनों बाद, आई थिंक 8-9 महीने बाद, तो रखी हुई थी अचानक दिख गई, तो देखते हैं प्ले करते हैं। खैर शौकिया तौर पर जब भी मन करता है तो बजा लेता हूँ, लेकिन भाई 6 मतलब 8 महीने बाद पता नहीं कैसी बजेगी यार। सही है, चलिए तो हल्का फुल्का सुर तो निकल रहा है, कोशिश करते रहते हैं प्ले करने की। बांसुरी बहुत ही टफ इंस्ट्रूमेंट है गाइस, ये मतलब इंस्ट्रूमेंट तो सारे ही टफ होते हैं, लेकिन बांसुरी के ऐसे इंस्ट्रूमेंट है इसका अपना कोई सुर नहीं होता, इसमें सुर मतलब हवा डालने पड़ती है तब जाके सुर निकलते हैं, तो टिपिकल टाइप है ये। तो गिटार होता है, आप उसे उसके कॉर्ड्स मारो तो प्ले होने लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप फूक नहीं मारोगे तो कुछ नहीं प्ले होगा। चलिए कोशिश करते हैं एक आध चीज और। Yeah.
चलिए गाइस ठीक हो गया फिर, दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टरा।